नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2019 के सिलेबस के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती अब जल्दी आने वाली है और इसका सिलेबस भी बताना बहुत जरूरी था क्योंकि अब इसकी तैयारी भी कराना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश भर्ती का आज हम संपूर्ण सिलेबस डिस्कस करेंगे आपके साथ। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो वो भी बता दीजिएगा मुझे इसके माध्यम से। और दोस्तों मैं कल जो एक वीडियो लाऊंगा आपको पुस्तकों से रिलेटेड यानी बुक्स से रिलेटेड बताऊंगा आपको कौन कौन सी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर सफलता मिल सकती है। तो आज हम सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले हम मैथ सब्जेक्ट का देखेंगे, मैथ्स में क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक से क्या आना है। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में आपको सबसे पहले जो देखना है औसत यानी एवरेज। आपको औसत यानी एवरेज, एवरेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको एवरेज से रिलेटेड पढ़ना होंगे। दूसरा टॉपिक होगा दोस्तों प्रतिशत यानी परसेंटेज, जिसमें आप प्रतिशत निकालते हैं कि भैया इतने में खरीदा इतने में लिया तो उसका कितने प्रतिशत में उसका हानि है, कितने प्रतिशत में लाभ हुआ, ठीक है। इसके बाद लाभ और हानि यानी लॉस एंड प्रॉफिट आपको ये पढ़ना भी बहुत जरूरी होगा। तो लॉस एंड प्रॉफिट यानी हानि और लॉस भी पढ़ लीजिए। इसके बाद घड़ी संबंधी सवाल, जो आपके क्लॉक से रिलेटेड संबंधी सवाल आते हैं जो घड़ी से कि भैया इतने समय इतने बज रहे हैं तो इतने समय में कौन सा एंगल बनेगा, इतने समय इतने बज रहे हैं तो इसके बाद कौन सा एंगल बन गया है, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको देखना है। दूसरा है दोस्तों अनुपात यानी आपके रेशियो से संबंधित सवाल आते हैं, जिसे दो चीजों का रेशियो दिया होता है कि भैया इसका रेशियो इतना है इसका रेशियो इतना है तो आखिर वो बड़ी संख्या कौन सी होगी छोटी संख्या कौन सी होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। दूसरा दोस्तों वृत्त चित्र यानी जो पाई चार्ट दिए होते हैं, आपको पता है एक वृत्त बना होता है उसमें एक बहुत सारे खाने बने होते हैं जिसमें कोई जनसंख्या दे दी, फिर गांव दे दिया, फिर फूड दे दिया, फिर जानवर दे दिए, इस टाइप से बना रहता है और उसमें परसेंटेज पता होता है कि गांव की जनसंख्या कितने परसेंट है, उसमें जानवरों की संख्या कितने परसेंट में है, उनके खाना पे खर्चा कितने परसेंट में हो रहा है, ये सारी चीजों से रिलेटेड पाई चार्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद लघु गणक, जो आपके लघु गणक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते, ये क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिया जाता है इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ जरूर लीजिएगा। आपका क्रम पर जो क्रम परिवर्तन एवं संयोजन, क्रम परिवर्तन एवं संयोजन आपको पता होगा जब कोई भी चीज एक आपके टेबल के आसपास जब लोग बैठे होते हैं और उसमें पूछा जाता है कि इनका कौन सा क्रम परिवर्तन होगा, जैसे एक आदमी को मैंने पहले स्थान से उठा के फोर्थ स्थान पर बैठा दिया, उसका उसमें क्या हो गया क्रम का परिवर्तन हो गया। तो हम उसमें पूछा जाता है कि भैया एक आदमी पहले बैठा है, एक आदमी उसके लास्ट में बैठा है, बीच में जो आदमी बैठा है उसका कौन सा क्रम होगा, इस प्रकार से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा रेखा, रेखांकन और सरलीकरण। सरलीकरण यानी आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, रेखा लाइन यानी जो लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके पूछे जाएंगे। कार्य और समय यानी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि भैया एक आदमी एक काम को इतने समय में करता है, दूसरा आदमी किसी काम को उतने समय में करता है, तो दोनों मिलकर एक काम को कितने समय में करेंगे, या फिर पूछा जाता है कि एक आदमी एक काम को इतने, दूसरा आदमी इतने, तो तीसरा आदमी कितने काम समय में उस काम को करेगा। चौथा दोस्तों पूछा जाएगा आपका ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इसमें आपको बता दूं इसके बाद ये भी बताऊंगा कि सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी कौन से टॉपिक होंगे, सबसे ज्यादा किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर होगा दोस्तों साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी जिसको हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हम आपको बता दें आपको टोटल 12 टॉपिक पढ़ना है और इस 12 टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ लेने के कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। लेकिन मैथ्स में अब मैं आपको बता दूं कुछ मेन टॉपिक जो क्वेश्चन जहां से बनते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा आपका औसत, है ना, फिर होगा प्रतिशत, तीसरा होगा लाभ और हानि, चौथा होगा अनुपात, इसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा कार्य और समय, ऊंचाई और दूरी, इसके बाद साधारण ब्याज, 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये 7 टॉपिक 100% तैयार कर लेना है, इससे एक भी क्वेश्चन इधर का इधर नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। कोई भी टॉपिक इसमें ऐसा नहीं जिससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन मैंने जो आपको साधारण ब्याज बताया, ऊंचाई और दूरी बताई, कार्य और समय बताया, इसके बाद यहाँ पर अनुपात बताया, लाभ और हानि, प्रतिशत और औसत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम दोस्तों साइंस में, यानी साइंस में आपका क्या पूछा जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए और जब आप तैयारी करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है जो व्यापम अपना
सिलेबस तैयार करता है उसके आसपास ही पूछता है, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें सिलेबस के बाहर यानी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछ ले गए, उस कारण थोड़ा सा स्टूडेंट्स परेशान हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभार हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ आपको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों हम साइंस में, साइंस में क्या क्या पढ़ना है आपको इस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले साइंस में आपको पढ़ना है, इसको मैथ्स हटा दीजिए, इधर पे आप क्या लिखेंगे, विज्ञान, है ना, यानी साइंस में आ जाएंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक दोस्तों होगा वो कौन सा होगा आपका, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा आपको पढ़ना है दोस्तों व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान है ना, व्यवहारिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तीसरा पढ़ना है आपको कौन सा, अनुप्रयुक्त विज्ञान, अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त विज्ञान है ना, अनुप्रयुक्त विज्ञान पढ़ना है, अनुप्रयुक्त विज्ञान में विषय भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर पढ़ना है आपको चौथा पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान के बाद पढ़ना है आपको पांचवा प्राणी विज्ञान, कौन सा होगा, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान के बाद आपको पढ़ना होगा छठवां क्या, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसके बाद आपको पढ़ना होगा लास्ट रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, आपको रसायन विज्ञान पढ़ना होगा। दोस्तों आपको साइंस में इतने टॉपिक पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता, इससे संबंधित सवाल आपका पूछा जाएगा। पहला आपको सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को आप बोलते हैं जिसको क्या, सोशल साइंस है ना। इसके बाद व्यवहारिक विज्ञान को क्या बोलते हैं आप, बिहेवियर साइंस। इसके बाद अनुप्रयुक्त विज्ञान को आप क्या बोलते हैं, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस। पृथ्वी विज्ञान को क्या बोलते हैं आप, अर्थ विज्ञान, अर्थ साइंस, अर्थ साइंस। इसके बाद प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान को आप क्या बोलते हैं, जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को क्या बोलेंगे आप, बॉटनी, बॉटनी साइंस। रसायन विज्ञान को क्या बोलेंगे, वही केमिकल विज्ञान, केमिकल साइंस, केमिकल साइंस, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये आपको विज्ञान में पढ़ना है, विज्ञान में आपको इससे रिलेटेड ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, यदि आप इससे ज्यादा पढ़ोगे तो आवश्यकता नहीं है, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको देखना है नेक्स्ट, ये हमने विज्ञान मैथ्स का देख लिया और साइंस का देख लिया, अब देखना है हमारे लिए रीजनिंग है ना, कि रीजनिंग में हमारे लिए क्या पढ़ना है। आप इसका थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए और कोशिश करना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको आसानी होगी समझने में और बाद में इस सिलेबस को पढ़ने में, ठीक है। अब देखेंगे हम पहले रीजनिंग है ना, रीजनिंग के बाद फिर देखेंगे जो जनरल साइंस वो सॉरी जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा यानी सामान्य ज्ञान में, उसमें भी देखेंगे, ठीक है। रीजनिंग में आपको पढ़ना है जो मेन टॉपिक है, लिख दीजिए रीजनिंग, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है विश्लेषण यानी कि विश्लेषणात्मक तर्क, पहला टॉपिक होगा विश्लेषणात्मक तर्क, विश्लेषणात्मक तर्क पहला। दूसरा आपको पढ़ना है दोस्तों इसमें क्या, गैर मौखिक तर्क, यानी जो आपका एक इसमें आ जाएगा नॉन वर्बल में है ना, गैर, गैर मौखिक तर्क। इसके बाद तीसरा जो आ जाएगा आपका आंकड़ा निर्वचन, निर्वाचन है ना, आंकड़ा निर्वाचन। चौथा आ जाएगा दोस्तों आपका क्या, तार्किक विचार, तार्किक विचार, तार्किक विचार के बाद आ जाएगा आपका डेटा पर्याप्तता, डेटा पर्याप्तता, ठीक है। आपको सिर्फ पांच टॉपिक से रिलेटेड ही संबंधी सवाल आएंगे, जो आपको रीजनिंग में एक आएगा विश्लेषणात्मक तर्क, एक आएगा आपका गैर, जो आपका गैर मौखिक तर्क, तीसरा आएगा आंकड़ा निर्वाचन, तार्किक विचार और डेटा पर्याप्तता, इससे संबंधित आपके सवाल सारे रीजनिंग में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सामान्य ज्ञान आएगा, उस सामान्य ज्ञान भी देख लेते हैं, सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा।
सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, ये थोड़ा सा सामान्य ज्ञान आपका ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसको आपको ध्यान से समझना है और ध्यान से पढ़ना है। तो क्या आएगा, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जो पूछा जाएगा यानी जनरल नॉलेज में, सबसे पहले तो आपका आएगा क्या, वातावरण। वातावरण यानी वातावरण मीन्स एनवायरमेंट। दूसरा आएगा आपका प्रसिद्ध पुस्तकें यानी फेमस बुक्स एंड लेखक, और उनके लेखक, फेमस बुक्स और लेखक यानी जो फेमस ऑथर एंड बुक्स, ठीक है। तीसरा जो पूछा जाएगा दोस्तों आपका क्या है, बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, बेसिक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, भूलना मत, ठीक है। इसके बाद आएगा भारतीय संस्कृति, ठीक है, यानी इंडियन कल्चर, इससे संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद आएगा आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी, भूगोल के सवाल पूछे जाएंगे। छठवें नंबर पे आएगा आपका क्या, भारतीय संसद। सातवें नंबर पे आएगा आपका खेल, स्पोर्ट्स से संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे। और फिर आएगा आपका इतिहास, संस्कृति, परंपरा और त्योहार। इतिहास आपका हो गया, भारतीय संस्कृति, परंपरा और त्योहार, है ना, इससे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका जो भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट आएगा आपका क्या, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना, इसमें आपको एमपी पुलिस की भर्ती है तो एमपी से रिलेटेड जीके जरूर पढ़ लेना, है ना, एमपी से रिलेटेड बुक जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब दोस्तों इसमें कुछ बुक्स वगैरह रहेंगी जो भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, बुक्स का आपको थोड़ा सा जल्दी लेकर आऊंगा वीडियो के, बुक्स कौन कौन सी बुक्स आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो सिलेबस मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से बता दिया। इसमें कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, और मैं आप, एक पहला वीडियो था एमपी पुलिस के लिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और आपको साथ में तैयारी भी कराएंगे जिससे आपको जरूर ज्वाइनिंग मिले। और दोस्तों एडवांस में आप सभी को एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के साइन पर जरूर क्लिक कर लेना जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।